हाय गाइस, मैं जस्ट अभी अपनी एक्सरसाइज करके फ्री हुई थी एंड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे मेरे पास एक ही बात पूछने के लिए. सो आई थॉट कि मैं फटाफट एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं जो इंडिगो और हेना का प्रोसेस है, जिसमें आप चाहे 2 स्टेप प्रोसेस करें चाहे मेरा लेटेस्ट वाला 1 स्टेप प्रोसेस करें, जिसमें हम मिक्स करके लगाते हैं. आपको ऑरेंज कलर नहीं मिलता है, नेचुरल ब्लैक कलर मिलता है बालों में. उसमें ऑयलिंग नहीं करनी है. मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से कैसे करना है. सबसे पहले जिस दिन आपको प्रोसेस करना है उससे एक रात पहले अच्छे से ऑयलिंग करें अपने बालों की. नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में शैम्पू कर लें. अब चाहे तो अगर 2 स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं तो चाहे तो हेना सेम डे लगा लें या फिर उससे अगले दिन भी लगा सकते हैं. अगर 1 स्टेप वाला कर रहे हैं तो आप सेम डे करें चाहे उससे अगले दिन भी लगा सकते हैं. सो क्या किया हमने, रात को अच्छे से ऑयलिंग कर ली, अगले दिन हमने शैम्पू कर लिया और उसके बाद हमने ये प्रोसेस कर लिया. नाउ चाहे एक दिन में करें चाहे 2 दिन में करें ये प्रोसेस, जो मर्जी आप चूज़ कर सकते हैं. उसके बाद इंडिगो जब आप नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे या जो मिक्स करके लगाओगे और नॉर्मल पानी से वॉश कर दोगे, तो उसके बाद 24 से लेके 48 आवर्स तक कुछ नहीं लगाना है. बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हम ऑयलिंग कर लें, कोई कर्ड लगा लें, कुछ कर लें क्योंकि बाल ड्राई हो जाते हैं. आई अंडरस्टैंड गाइस, बट हम कुछ भी लगाएंगे तो जो हमारा कलरिंग का प्रोसेस है वो ऑल्टर हो जाएगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. और चाहे आप दही लगाओ चाहे ऑयल लगाओ, क्या होता है कि जैसे हेना लगाने के बाद अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन गाढ़ा होता है ना कलर मेहंदी का, बिल्कुल उसी तरह इंडिगो काम करता है. और इंडिगो का भी नेक्स्ट 2 दिन में आपका कलर गाढ़ा होगा. अगर उस टाइम पे आप ऑयलिंग लगा लोगे या आप शैम्पू कर लोगे जल्दी, तो वो कलर ऑब्वियसली वो आपने उसको टाइम नहीं दिया उसको डार्क होने में. सो प्लीज़ 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 एक बार फॉर वंस एंड ऑल मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई शैम्पू नहीं करना है, कोई रेमेडी नहीं करनी है बिफोर डूइंग द फर्स्ट शैम्पू आफ्टर वॉशिंग द इंडिगो पाउडर. इंडिगो पाउडर के को नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद 2 दिन कुछ ना लगाएं. अगर ज़्यादा आपको इचिंग हो रही है, चिपचिपाहट लग रही है, तो 1 दिन कम से कम कुछ ना लगाएं. और उसके बाद फर्स्ट शैम्पू लेने, शैम्पू लेने के बाद उस दिन रात को आप जितना मर्जी ऑयल लगा लें, अच्छे से कंडीशनिंग कर लें. पैक वैक मैं कहूँगी थोड़ा अवॉइड ही करें नेक्स्ट 4-5 डेज तक. ऑयलिंग कर सकते हैं जिस दिन आपने शैम्पू कर लिया है, अच्छे से ऑयलिंग कर ले, रात भर ऑयलिंग रखें, अगले दिन चाहे तो शैम्पू कर ले, नहीं तो अगले दिन भी ऑयलिंग रखें. मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि आजकल वैसे ही पैंडमिक है, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर. और कम से कम 3 से 4 दिन के गैप के बाद मैं अच्छा सा कोई पैक लगा लेती हूँ. बहुत सारे हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए. और उस पैक से मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं. तो मुझे कभी भी जब मैं पहले ऑयल लगा लेती हूँ और बाद में ऑयल लगा लेती हूँ तो मेरे बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आती है. आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों. अभी भी कोई डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे लिख सकते हैं. आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. बाय बाय.